देखिए ये बड़ा दुखद है कि दीपावली तो दीपों की होती है कायदे में देखी जाए, और आज चाइनीज़ माल ने हमारे जो कुम्हार भाई लोग हैं उनके व्यापार को, उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा कर दिया है। मैं तो ऐसी बस्ती में रहता हूँ जहाँ कुम्हार लोग शाम को चाक चला के दिया बनाते हैं, रात भर पकने के लिए रखते हैं, सुबह बेचने के लिए आते हैं, रंगते हैं, पूरा परिवार मेहनत करता है एक एक दिया बनाने पर, पूरे 5 लोगों का परिवार लगता है। आज वो परिवार इस चाइनीज़ माल की वजह से भुखमरी के संकट पर है। सरकार एक तरफ संकल्प कर रही है कि वो चाइना के माल का बहिष्कार करेगी और मेड इन इंडिया पर जोर देगी, मेक इन इंडिया पर जोर देगी, लेकिन हकीकत में मेड इन चाइना चल रहा है, और जो चाइनीज़ दीपक हैं वो हमारे दीपकों पर भारी हैं, हमारे लोग भुखमरी की कगार पर हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेदार स्वदेशी नागरिक होने के नाते सबसे पहले हमारे कुम्हार भाइयों के हाथ के बने हुए दीपकों को लेना चाहिए और उन्हीं दीपकों से दीपावली मनानी चाहिए जो भगवान राम के समय होती रही है। जी ये कार्य बहुत पुराना है और हमारे पूर्वज लोग ये कार्य किया करते थे, उन्हीं से हमने सीखा। और पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री रामचंद्र भगवान जी अपनी विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे, तब खुशी में सारी मतलब देशवासियों ने मिट्टी के ही दीपक बहुत खुशी से जलाए गए सारे देश में, सारे अयोध्या इन्हीं दीपकों से खुशी से जगमगाई थी। ये मिट्टी का काम जो है हमारे बाबा दादाओं से चला रहा है, और हम लोग जो है लोगों के घर रोशन करने के लिए दिए दीपक अन्य सामान भी बनाते हैं, मूर्तियां हैं मिट्टी की, एक से एक अच्छी अच्छी वैरायटियां बनाते हैं। लेकिन अब हम लोगों को जो है इस व्यवसाय में दिक्कतें आ रही हैं कि ना तो मिट्टी मिल पा रही है, और मिट्टी मिल भी रही है तो वो दुगने तिगने रेटों में मिल रही है। दूसरी बात, मिट्टी जो हम लोगों को चाहिए होती है मिट्टी नहीं मिल रही है। मिट्टी के अलावा अब हम लोगों को जगह की भी प्रॉब्लम हो गई है, और इस चक्कर में हमारे घर से और जो नई पीढ़ी के लोग तैयार हो रहे थे काम करने के लिए, वो लोग अब ये काम करना चाहते ही नहीं हैं। चाहते क्या हैं, हम लोगों को मनमाफिक रेट नहीं मिल पा रहे हैं, और हम लोगों का तो समझ लीजिए आप भुखमरी कगार पे हम लोग चल रहे हैं। क्या सरकार से चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोगों को सुविधाएँ दी जाएँ, जैसे मिट्टी है, जगह है, और हम लोगों के काम को बढ़ावा देने के लिए कुछ सहायताएँ दी जाएँ जिससे हम लोग कुछ आगे बढ़ सकें, इस व्यवसाय को अपने आगे बढ़ा सकें। क्योंकि ये व्यवसाय ऐसा है कि तो पुराणों से चला आ रहा है, ये हमारा कोई नया व्यवसाय नहीं है। पृथ्वी पे सबसे पहला कला यंत्र जो है हम लोग ही लेके आए हैं। सबसे पहली जो कला है वो कुम्हारों से ही उत्पन्न हुई है, क्योंकि मशीनें तो ये आज बर्तन बनाने लगी हैं, हम लोगों का जो कला यंत्र है ये कुदरती है। हम लोग जो है इसको सबसे पहले धरती पर लेके आए हैं, हम ही लोगों से ये कलाएँ उत्पन्न हुई हैं। खाने के लिए, पकाने के लिए, ले जाने के लिए हर तरीके का बर्तन हम लोग तैयार कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को उस बर्तन का रेट नहीं मिल पाता है। प्रदेश सरकार द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कुम्हारों के लिए मिट्टी की रॉयल्टी, किसानों के लिए मिट्टी की रॉयल्टी फ्री कर दी है, मुक्त कर दिया है। अपने कार्य के लिए वो मिट्टी ले जा सकते हैं, और इस पे हम लोगों द्वारा कुम्हारी कला के पट्टे दिए गए हैं, और वो मिट्टी लेकर के अपने व्यवसाय को, उद्योग को, जो छोटा उद्योग है उसको बेहतर ढंग से बढ़ा सकते हैं, और दीपावली के अवसर पर अपने दीपक को बेच करके बेहतर आय पैदा कर सकते हैं। शासन की भी यही मंशा है कि आम आदमी सुदृढ़ हो और उनका आय बढ़े।